घर टूटा तब निकल के भागे, घर भी नहीं बचा था, कैसे निकल पाते। अब बच्चा के लेके दूरा पर बैठे हुए, सोने के लिए जगह नहीं है, कहाँ सोते हैं बच्चा सबके लेकर। हमारी मौजूदगी इस समय ग्राउंड जीरो पर है, मुरौल प्रखंड है ये, और मुरौल प्रखंड का विद्याझाव गांव है, जहां पर देर रात में आग लगी और उस आग ने पूरे घर को जला के राख कर दिया। करीबन यहाँ पे बहुत सारे घर हैं और जो महिलाएं हैं वो देख लीजिए, और इनका ये घर है जो पूरी तरीके से जल के राख हो गया है। कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अच्छा, कैसे हुआ ये सब? ये सब कुछ नहीं मालूम मुझे, हम लोग सो रखे थे, हम तो क्या मालूम, कोई पता नहीं है। अच्छा, दूसरा आदमी आके हल्ला घर में आग लगा हुआ था, हमसे निकल के बाहर चल गए बच्चा के लेकर, घर में सब सामान निकाल, घर टूटा तब निकल के भागे, घर भी नहीं बचा था, कैसे निकल पाते। नहीं, कितना का नुकसान हुआ घर में? कम से कम 10 लाख के घर में नुकसान हुआ, इतना दूर घर में। आपके घर पर कितना समस्या हो रहा है? बहुत समस्या हो रहा है, कुछ नहीं सोने के तो कुछ बचवे न किया, समस्या नहीं होगा कुछ लिए नहीं है। कितने बजे रात में घटना हुई? 10 बजे रात में आग लगा हुआ था। 10 बजे में आग लगा हुआ था। अच्छा, क्या क्या जला है? राशन पानी सब जल गया, कपड़ा लत्ता हर चीज जल गया, कुछ नहीं बचा है बस। अच्छा, सारा सामान, किचन के सब सामान होता है, सोने रखने वाला सब सामान खत्म हो गया, सब जल गया। अच्छा, जब घटना हुई इस समय आप लोग सो रहे थे? हाँ जी, सो रहे थे हम, घटना के समय में हम लोग सो रहे थे, कोई दूसरा आदमी देखा तो उधर से आया तो हल्ला किए, तब हम लोग उठे तो बच्चा के कैसे कैसे करके खींच के ले गए थे, लेकिन उसके बाद कुछ हम लोग के हाथे नहीं लगा कि हम निकाले जाए, कोई काम कर पाते कुछ नहीं। वीडियो सी वो लोग आए थे? नहीं नहीं, नहीं रात में नहीं आए थे, सुबह में आए थे। अच्छा अच्छा, ये घटना हो गई, अब कैसे आप लोग रह रहे हैं? बहुत बुरी तरीका से जी, बहुत बुरी तरह से रह रहे हैं, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं सहायता मिल रहा है ठीक से जी। कोई देखने आ रहा है? जी नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया है, बस सुबह एक पन्नी बन्नी दे के चले गए हैं बस, और कुछ भी नहीं मिला है अभी तक सुविधा, थोड़ा बहुत वही खाना पीना मिल रहा है जी। अच्छा, क्या क्या था घर में? क्या सारा सामान था, गहना गेटी जितना सारा सामान था हमारे, सब कुछ जल गया है, पलंग उलंग सब कुछ जल गया है, चौकी उकी जी नहीं, कुछ भी नहीं बचा है, एक रत्ती एक चीज नहीं बचा है, सिर्फ पहन रखे वही बहुत है, वही बचा है, उसके बाद कुछ भी नहीं बचा है जी। कितना समस्या हो रहा है? बहुत दिक्कत हो रहा है, बाले बच्चे के सब बाल बच्चे के लेके भागे, अनाज घर में से कुछ भी नहीं निकले, ना खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, दिक्कत काट के है, नहीं थोड़ा सा पानी नहीं मिल रहा है। हाय, अब बच्चा के लेके दूरा पर बैठे हुए, सोने के लिए जगह नहीं है, कहाँ सोते हैं बच्चा सबके लेकर, बिछाने के लिए कुछ नहीं है बस यही। अच्छा, जब घटना हुई थी तो उस समय क्या हुआ था, उस समय किस तरीके से आप लोगों को पता चला? हाँ, सोते हुए है ना तो पता लगा, जब झोंक मारा ना तब तो से लगा तब। अच्छा, क्या लगता है कैसे घटना हुई होगी, कोई आशंका है? नहीं नहीं पता है किसी को, नहीं। तो ये वो महिलाएं हैं जिनके घरों में आग लगी और इस आग ने इनके सारे सामान सहित जितने भी जो कुछ भी है, ये मंजर देखिए कितना खौफनाक है कि उनके घर का जो कुछ भी बचा हुआ था वो सारा कुछ जल के राख हो गया और इनका जो घर है वो पूरी तरीके से बिखर गया है। हमने यहाँ पे आए और यहाँ की जो महिलाओं से बात की, उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल जो पहन रखे हैं ये भी बहुत है, बाकी जितने भी चीज है यहाँ पे वो सब जल के राख हो गया है, लगभग करोड़ों का नुकसान हुआ है पूरे घर में। यहाँ के महिलाओं का कहना है कि करोड़ों का नुकसान हुआ है, क्योंकि ये देख लीजिए ये तो इतने दूर में नहीं था, ये पूरा जो है इन लोगों का घर था और करीबन 19 घर में आग लग रहा है, 19 घर जल के राख हो गए हैं। तो और यहाँ पे अभी तक इनकी मदद के लिए भी कोई नहीं पहुंचा है, लेकिन इस तरीके से आग लगी काफी खौफनाक आग थी जिसने पूरे घर को जला के राख कर दिया। मुझे पप्पूर से लोकल टीम के लिए रितुराज।